नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने पहुंचे हैं वसंता कुमारी जी से। वसंता एक लंबा संघर्ष चला रही हैं कानून के साथ, इनके पति जेल में बंद हैं, प्रोफेसर जी एन साई बाबा जो अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और हम वसंता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लंबा संघर्ष चल रहा है, यहाँ से वे जाती हैं नागपुर मिलने के लिए, और उसके साथ साथ जिस तरह से कोरोना का संकट है, जेलों में जो हाल है, उसमें जो बेल की एप्लीकेशंस हैं, बाकी सारी जो कानूनी लड़ाई आप कर रही हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको आ रही है इतने लंबे समय से। एक्चुअली 2014 में साई को अरेस्ट किया था जी। उस समय हमें तो उम्मीद है, कोई एविडेंस नहीं, ये फॉल्स केस है, इसलिए कैसे भी बाहर निकलेंगे ऐसा उम्मीद से ही हमें जेल में भी जाके मिलते थे। बट पहले फर्स्ट मैं जेल मुलाकात के लिए गया था, वहाँ मेरे को एक बुरा एक्सपीरियंस आ गए। उसमें कि ये क्या आप, क्योंकि साई का मैंने मेरा सरनेम ही रखा था, मैं फादर से आया वो ही है, मैंने सरनेम बदल नहीं, ये लोग साई का सरनेम आपके नहीं, आप इनका वह पत्नी है, कैसे ऐसे ही मेरे को मुलाकात देने के लिए इनकार किया। मेरे फिर वही से स्टार्ट है ये लड़ना, मतलब आपको मना कर दिया कि आपके नाम के साथ साई का नाम सरनेम नहीं जुड़ा, इसलिए आप उनकी पत्नी नहीं है। हाँ, पत्नी नहीं है, मुलाकात देंगे नहीं बोला, ये क्यों ऐसा, रिकॉर्ड्स देखिए आप जेल। फिर मैंने जेल सुपरिटेंडेंट को एक अलग से लेटर लिखा, क्या बकवास कर रही, ये लेटर दे दो अंदर, ऐसा बोल के उसमें फिर वहाँ से आया था। हाँ, इसको तभी मुलाकात हो गई। मतलब फर्स्ट टाइम वही से मुलाकात, जेल मुलाकात चले गई। ये इतना फेस किया, मतलब माइन्यूट इश्यू जैसे लगता है, बट उसमें ना हमको एज ए विमेन ये पेट्रियार्की सोसाइटी में मर्द का ही सरनेम लेके जाना है, ऐसा इनका भावना इतना ऑफिशियली भी वहाँ ऐसा देख रहे, तो मैं फर्स्ट टाइम परेशान हो गई। अच्छा, ये बताएं 2014 से लेकर अभी तक आपका संघर्ष चल रहा है, सबसे ज़्यादा आपने क्या सीखा इस दौरान, क्योंकि आपने इससे पहले तो शायद कभी ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए होंगे, ना इस तरह की ज़िंदगी आपने देखी होगी, तो सबसे ज़्यादा क्या सीखा? हाँ, यही है, लड़ना है, कोई भी कभी भी कैसे भी मुश्किल में हमें दुखी होके बैठने से कुछ नहीं होगा, लड़ते रहो तभी तो होगा होश, नहीं तो और दबाएंगे हमको हर जगह, यही तो मेरा एक्सपीरियंस में आया था। कोर्ट का भी इतना मुझे पता नहीं है वैसा, बट साई का इश्यू के लेकर ही एडवोकेट्स के पास जाना, तभी ये कुछ मामले अभी भी कोर्ट का वो स्ट्रैटेजीज क्या चल रही है समझ में नहीं आते हैं, बट हमको इतना है उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये साई का केस में कोई एविडेंस नहीं है, वो एविडेंस कभी पेश भी नहीं किया था। इस बीच में अरेस्ट का टाइम में मिसहैंडलिंग के वजह से साइकिल लेफ्ट हैंड भी खराब हो गई, वैसे ही वो 90% डिजेबल्ड है, वेस्ट से नीचे का लेग्स पोलियो अटैक के वजह से व्हीलचेयर में बैठते हैं, हाथ से ही शिफ्ट होती है, अभी हालत इतना 2017 में इनका कन्विक्शन दिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तब से जेल में ही है बेल के लिए। एक्चुअली वो 90% डिजेबल्ड है,
और इनकी 19 सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वह सब मेडिकल ग्राउंड्स में हमें बेल के लिए भी अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट किया। के लिए भी आपने किया है? अभी ये लॉकडाउन का संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आर्डर है पेरोल से प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए, तभी तो अभी हमें पेरोल 45 डेज के लिए अप्लाई किया था, बट वो भी रिजेक्ट किया। ये कारण यही बोल रही हूँ, वहाँ कंटेनमेंट एरिया है हैदराबाद, बट कब तक कंटेनमेंट है? वो आएंगे घर पे तो कुछ नहीं है ना, और इनके तो हालत ऐसा खराब हो गई, अभी राइट हैंड भी काम नहीं कर रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। कब हुई साईं से? ये फ़रवरी 24th 2020 में हुआ था। उस समय हमको मुलाकात में भी बड़ी मुश्किल है, हम सुबह 8 बजे से वहाँ जेल के पास इंतज़ार करना है, बट लास्ट में सबसे लास्ट 12:30 ऐसा हमको बुलाते, वो थोड़ा 15-20 मिनट टाइम देते हैं, उसमें ही जो लीगल का ये बातें होती है, कभी कभी वैसा मुलाकात कैसे हो जाते हैं ना, मिलने का जाना ही बड़ी मुश्किल है, ना मिले वही ठीक है ऐसा लगता है, क्योंकि मिलके ना बात पूरा दिल भर नहीं होता है, आंख भर नहीं देख पाएंगे इनका, क्योंकि वो जाली फाइबर ग्लास ये सारे हैं ना, 3 लेयर्स, उसके इतना दिखते भी नहीं, वो भी दुखी हो जाते हैं, मैं मिलके वापस जाने के बाद, मैं भी इनसे मिलके आने के बाद बहुत दिल बहलता है, ऐसा हो जाते हैं, क्योंकि जो बात ऐसा हो गई हमारे बीच में, खाली लीगल की या ये प्रशासन ने कितना मुश्किल में हमको डाल दिया, इनकी तबीयत भी कभी कभी पूछ नहीं पाती हूँ मैं, क्या हो रही है ऐसा। से पहले आप की भूमिका बिल्कुल दूसरी थी, हाँ। आप घर देख रही थी, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज में सक्रिय थी, तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा 14 से लेकर अभी हम 20 में बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा, चैलेंजेस क्या थे, और बतौर महिला आपको क्या लगता है, आपकी जगह अगर साई बाहर होते आप अंदर होते तो स्थिति दूसरी होती? हाँ ये तो है, क्योंकि अभी मैं एक तो सिटी में है, और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स का सपोर्ट है, और बाहर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिविस्ट का सपोर्ट भी है, वो अलग है, अभी वो देखने से पता चलता है, बाकी लोग वैसा एज ए वुमेन ये एक्टिविटीज़ में नहीं, ये मदद नहीं, वो लोग कितने झेल रहे हैं, मैं वैसा इन लोगों को ये सोच के वैसा उम्मीद बढ़ के मैं स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि एक बार मुलाकात में गई तो वैसा ही हुआ था, इनके पास एक औरत आई थी मुस्लिम बच्चे को लेके, इनके कपड़े भी, बच्चों को तो कपड़े भी नहीं है, ऐसा मिट्टी में पड़ा वैसा रहा ऐसे ही, ये क्या हुआ ये पूछे तो उसको मुलाकात की भगा रही, दे ही नहीं रही, तेरे पास आधार कार्ड नहीं है ऐसा, बट वो क्या जानती हैं, वो पति को किस लिए पकड़ा, वो ट्रेन में बिना टिकट की ट्रैवल किया, पैसे नहीं है इसलिए बिना टिकट की ट्रैवल किया, तो उसको जेल के अंदर रखा, ये आ गई, फिर इसको क्या पता है, आधार कार्ड चाहिए मुलाकात के लिए, ये वकील के पास, वकील से ही आना है, ये कुछ भी पता नहीं, ऐसा लोग का इंडिया में कैसे है, देखो एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत बड़ी अजीब सा लगा, तब तो मैं भी स्ट्रगल कर रही बहुत, क्योंकि मैंने किसी के पास जाया गया नहीं, ऐसा नहीं है, हाल डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के और NHRC को भी लिखा था, मेरा पति का तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल ग्राउंड, इसको तुरंत बेल देना है, या नहीं तो वहाँ बेल रिजेक्ट कर रहे तो जेल में ही इसको सुविधा रखना है, 2 हेल्पर्स रखना है, इसका तो
हॉस्पिटल लेके जाना है रेगुलर फिजियोथेरेपी के लिए, वहाँ डॉक्टर सजेस्ट किया, बट कभी फिजियोथेरेपी रेगुलर नहीं कर पाए, इसलिए अभी राइट हैंड भी पैरलाइज हो गई, वो फिंगर्स भी बेंड नहीं हो रही, वो एक स्पून खाना लेके खाने में भी उसको दिक्कत हो रही। कितने बार अभी रिसेंटली 25th को फ़ोन किया था, उसमें यही बताया था 3-4 बार बेहोश होके गिर रही, तो कोई भी नहीं है उठाने के लिए भी, वहाँ जो पहले हेल्प करते थे वो लोग अभी मना कर रही, नहीं कर रही, जेल लोग कोई किसी को अलर्ट नहीं कर रही हेल्पर्स के, हम भी लेटर्स लिखा था यहाँ से मेरी फैमिली की तरफ से जेल सुपरिटेंडेंट को, DIG को भी, इसका जेल में हेल्पर्स को अलर्ट करने के लिए। बट मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, साई केस में कोई एविडेंस नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर इसको पनिशमेंट दिया है बोल रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कभी ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं किया, ये बात बहुत लोग को पता नहीं, ये सब लोग सोचते हैं कुछ तो मिला होगा इसीलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, फिर भी पूरा हमें बता रहे तो बहुत लोग परेशान होती हैं, ये टारगेट करके ही सप्रेस कर रही है ये गवर्नमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स में बेल भी नहीं दे रहे वो, वैसा आप ही देखिए असीम आनंद प्रज्ञा ये सब लोगों को एविडेंस भी है, कन्विक्टेड हो गई फिर भी बाहर निकल गई, अभी केसेस भी ख़त्म हो रहे, बट ऐसा 90% वायलेशन ऑफ डिजर्बल्ड एक्टिविटीज, वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ईसाई का केस में है, इनको इवन मेडिकल ग्राउंड्स में भी बेल नहीं दे रहे, ये क्या है, हमें ये 5 साल से देखे तो कोर्ट्स का भी ऐसा बदलाव आ गई, ये पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट में तो उम्मीद अच्छा रहती थी, सुप्रीम कोर्ट से भी 2016 में बेल मिला था साई को, तब वो सुप्रीम कोर्ट जज भी बोला था क्या ये फ्लैश ऑफ पाउंड फ्लैश चाहिए क्या इनका और रख रही, ऐसा ढांटे थे, ये इनसे क्या लेने है, इतना हरकत में उनको रख के क्या ये पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए क्या तेरे को, ऐसे ही ढांटे थे। अब हालत सुप्रीम कोर्ट का कैसे है, फिर भी हमको बाबा साहेब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर उम्मीद है, इसी क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रही, लीगली तो हर वक्त परेशानी है, क्योंकि जो पॉलिटिकली जो उसमें गद्दे पे बैठा है उन लोगों को हर चीज़ मिल रही, यहाँ जो ये ह्यूमन राइट्स की खास के लिए लड़ाई में ये साई को पकड़ा गया, उनके 90% डिजेबिलिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन डिजेबल्ड राइट्स वायलेशन करके इवन इंटरनेशनली भी बहुत UN से एमनेस्टी से भी इसका रिलीज के लिए कई बार गवर्नमेंट को अपील भी चले गई, कितना इंटरनेशनल स्ट्रगल्स हुआ और ऑनलाइन पिटिशंस भी चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सबको भी चले गए। आपने कभी ये सब किया था या देखा था? नहीं, ऑनलाइन पिटिशंस करनी है? नहीं, कभी कुछ भी पता नहीं, मेरे को तो खाली मेल्स, कोई प्रोग्राम है तो मेल भेजते हैं, इतना ही है, तब मीडिया वैसा मेरे को इतना हिंदी भी अच्छा नहीं आती है बात करने, तभी तो ये साई जब अरेस्ट हुआ हर जगह ये बात करते करते अभी थोड़ा इतनी सी बात कर रही, नहीं तो
बिल्कुल मेरा बात क्या समझ गई, बाकी लोग अभी भी इतना फ्लुएंसी नहीं है क्योंकि मेरा मदर टंग नहीं है ना। कानून का भाषा सीखा, पिटीशन देना सीखा, यही तो है, पिटीशंस और अपील्स लिखना है, सेंड करना, और मीडिया का, सबसे मीडिया को भी अप्रोच होना, क्योंकि कभी हमें हर बार लीगली कोर्ट्स में हार गए तो दूसरा चेहरा मेरे को एक ही दिखता है, क्योंकि इतना इल हेल्थ साई का इश्यू थोड़ा लेके आने के लिए मीडिया पे ही जाती हूँ। मीडिया फ्रेंड्स भी इसका बहुत बार हाईलाइट किया, तभी तो एक बार मुंबई कोर्ट हाई कोर्ट ने सुमोटो लेके साई को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया 2015 में। इतना इल हेल्थ है, इनकी कंडीशन ख़राब है, बट उसी टाइम 2015 में ही इनकी तबीयत इतनी बेकार है, हाईकोर्ट ने इसको इलाज करने को, हॉस्पिटल में एडमिट करने को आर्डर दिया था। अभी 2020 में इस अभी लगातार 3 साल 5 साल से जेल में है, बीच में 6 महीने छोड़ के, और कितना हालत तबीयत ख़राब हो जाते हैं, फिर भी कोर्ट्स क्यों बेल नहीं दे रहे इसको मेडिकल ग्राउंड्स में। ये हाईकोर्ट 2015 में ही इनकी कंडीशन तो बदली नहीं ना, अगर बाहर है तो इलाज करते थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती है, तब से 2017 से अभी लगातार 3 साल पूरा जेल में ही है, इसके पहले 2 साल लगभग 2 साल 5 साल से जेल में है, तो इनकी हालत कितना ख़राब है, क्यों ये लीगली क्यों ये रियलाइज नहीं हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाकी रहे, जैसे असीमानंद, बाबू बजरंगी, इन सबको मेडिकल ग्राउंड पे छूट मिली, तो आपने क्या वहाँ पे कोर्ट में बोला नहीं? कोर्ट, हाँ वो तो कोर्ट का तो इतना कहाँ टाइम देते हैं, वो कोर्ट में हमारा सीनियर्स हमारा आर्ग्यूमेंट्स रखा, बट कोई भी जजेस हमारा आर्ग्यूमेंट्स लेते नहीं ना, यही प्रॉब्लम है। एट द टाइम ऑफ सेशंस कोर्ट जजमेंट आल्सो आवर डिफेंस लायर्स आर्ग्यूमेंट्स तो कंसिडर ही नहीं किया है उस टाइम, यही मेजर प्रॉब्लम है, एक ये चल रहे हैं। और उसे यहाँ से नागपुर और कोर्ट दोनों मैनेज कर पा रही हूँ? नहीं, कोर्ट का तो मुश्किल है, मैं खाली मुलाकात में जाती हूँ, क्योंकि कोर्ट कब डेट्स देते हैं ये अचानक बदलते रहता है, वहाँ हमारा एडवोकेट का जूनियर अटेंड करते हैं और सीनियर मिहिर देसाई फ्रॉम मुंबई से अटेंड करते हैं। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में जाने से रेबिका जान है, उनसे यहाँ अप्रोच होती हूँ। कुछ लीगल मामला अभी भी इतना मैं समझती नहीं ये है, बट बाकी तो अपील चीफ मिनिस्टर को, अभी रिसेंटली हमें मार्च 5 को भी शरद पवार को एक अपील दिया था, साई का हेल्थ का कंडीशन ऐसा बता के इसको कम से कम बेल डिनाइल नहीं करना है, ऐसा अपील दिया गया है, और साई का रिलीज़ के लिए यहाँ टीचर्स एंड अदर्स एक कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ डॉक्टर जी एन साई बाबा ये फॉर्म किया था ना, वो लोग भी एक डेलीगेशन शरद पवार से मिल के दिया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर ये नागपुर जेल में इतनी हालत में ये है, उसको बेल मिलना चाहिए। Thank you.